देखिए ऐसा है कि हर एक अपना होता है बचपन से ही कि मैं एक दिन बड़ा होकर किंग बनूंगा या प्रेसिडेंट बनूंगा किसी राज्य का, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। बट इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा हुआ था, काफ़ी टाइम नज़र भी थी इस चीज़ पे। थोड़े दिन पहले इजिप्ट जाने का मुझे मौका मिला, तो जब मैं देख रहा था कि यार मैं कॉन्फ्रेंस के बाद मैं कहाँ घूम सकता हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी मैप्स पे एकदम से इस हिस्से पे। मुझे याद आया कि अरे ये तो वही हिस्सा है, तो मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि यहाँ जाया जा सकता है अगर पॉसिबल अगर हुआ तो। और फिर मैं मेरे भैया के पास में गया और हम दोनों इस चीज़ से बिल्कुल जुड़ गए कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। जिस दिन वहाँ से लौट करके आया, अगले दिन ही मेरे फादर का जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि इससे बड़ा सरप्राइज उनको शायद दे ना सकूँ। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट करा और मैंने ये भी लिखा कि आई एज अ किंग डिक्लेयर माय फादर एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस रीजन, कि मैं अपने फादर को इलेक्ट करना चाहता हूँ ऐसा एज अगला प्रेसिडेंट। और फिर मैंने कहा हैप्पी बर्थडे पापा, तो वहीं से ये बात आगे बढ़ी। मैंने परसों एक मेल ड्रॉप करा है यूएन को मेरी पूरी स्टोरी के साथ में कि मैं कैसे मैंने क्या इम्प्लीमेंट करा है और मेरी क्या सोच है इस पूरी चीज़ को लेकर के। मैंने उनको ये भी बोला है कि करंट सिचुएशन को देख करके हम ये देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं देश को ऑनलाइन बनाना चाहता हूँ बजाय ऑफलाइन के बजाय। बट अगर आप मुझे रिकॉग्नाइज कर सकें एज अ देश, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, मेरे लिए अपने आप में एक सम्मान की बात होगी, मेरे और मेरे खुद के देश के लिए भी। और देखते हैं उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है। बट अगर जो भी रिप्लाई आए या ना आए, हमारा एक देश तो है ही अभी और हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। झंडे को मैंने खुद से ही बनाया है। झंडे के पीछे मेरी ये सोच थी कि मैं झंडे में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस चीज़ को कि मेरा देश शायद कैसा दिखता होगा। मैं वहाँ उस टाइम तक पहुँचा तो नहीं था, तो मैंने रेत का कलर एक तो इस्तेमाल करा है, गोल्डन कलर उसके अंदर। और मैंने ऐसा सोच रखा कि शाम को मेरा देश कैसा दिखता होगा, तो शाम को लाल रंग का आसमान होता होगा, तो मैंने वो भी कलर का इस्तेमाल करा। इसके अलावा मेरे देश के झंडे में चार स्तंभ हैं जो चार कोनों को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे देश के, और वो चारों स्तंभ एक शील्ड के अंदर है। इसका मतलब ये है कि मेरा देश प्रोटेक्टेड है एक शील्ड के द्वारा पूरी तरह से। तो ऐसा विचार था मेरा उसके पीछे। देखिए अगर रिकॉग्निशन अगर ग्लोबल लेवल पे अगर यूएन अगर मुझे अप्रूव करता है इस चीज़ को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट हम लोगों का एम वहाँ जाकर के रहने का नहीं है, हम लोगों का मकसद है दुनिया के हर कोने से अच्छी विचार के लोग जो कि आगे काम करना चाहते हैं इंसानियत के लिए, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, उनको हमारे देश का एज अ नागरिक घोषित करें और वो सब लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन। तो ये हमारा एंड गोल है और हम लोग इसी गोल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल कब? आज मत प्लीज सर, आज नहीं, आज नहीं तो कल लेंगे, है ना? आपका नंबर सेव कर लिया है मैंने, किंग स्वेयर्स एक्चुअली ध्यान ही नहीं रहा मेरे पास, तक तो पहुंची नहीं वो घड़ी मेरे पास। ये मैं 3 बजे बाद ही बता पाऊंगा मैम, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज समझिए।